Hey guys and welcome back to the Pokemon Xenoverse version जाके कहते थे पिछली बार हम लोग ने एक्सप्लोर किया था इस वेस्टार सिटी को एंड हम लोगों ने फाइंड आउट की थी गाइज यहाँ पे जो पेट्रोलिंग वो कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो अच्छे काम में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पुलिस लोगों का साथ दे दी है। सो या उनके तरफ से हमें जो है यहाँ पे उन्होंने अगर हम लोग को अगर जिम लीडर को अगर चैलेंज करना है इस वेस्टार सिटी के जिम लीडर को सो वी हैव टू ट्राई टू हेल्प देम एंड या आज हम गाइस यार वही करने जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था मुझे कि यहाँ से जो है हम लोगों को सीधा ईस्ट यहाँ पे जाना होगा। यहाँ से ये कहाँ पर आ चुका हूँ मैं वो नाम क्या था वो एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके सो नाम क्या है हाँ द वाइल्ड बुल सैलून यस सैलून में यहाँ पे मुझे उन्होंने आने के लिए कहा था। सो या मैं जो हूँ यहाँ पे अभी इस अंदर की तरफ चले जाता हूँ। तो ओके क्या हुआ सो तो तुमने फाइनली यहाँ पे इस विषय में हमारा साथ दिया है। सो ये एक रूमिन बिल्डिंग है इस वाइल्ड बुल सैलून की। काफी सालों पहले यहाँ पे एक वेस्टर्न सिटी की ये मेन अट्रैक्शन थी। क्या तुम इसे बिलीव कर सकते हो इनकी ओनर चिंपो उन्होंने ये सेंचुरी पहले बनाई थी और हाँ वो एक बार्टेंडर का भी काम कर रहे थे। तो उनका जोन यहाँ पे फाइनली ऑर्गेनाइज था। ओके बट तब से लेकर जो है आज तक यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखा जाए जहाँ पर हम खड़े हैं उसे बैटल रूम कहा जाता है। यहाँ पे विस्टर सिटी के सिटीजन और आउटसाइडर्स फाइट करते हैं बिटवीन वन ड्रिंक और द नेक्स्ट वन सारी चीजें ऑल द गुड थिंग्स कम टू एन एंड थ्रू। कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पे रूमर्स स्प्रेड किए कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर्स पोकेमॉन रहते हैं। लोगों ने भी यहाँ पे ये बिलीव कर लिया इवन दो उन्हें पता भी नहीं था कि वो क्रिएचर एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं। सुन उनके क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लेफ्ट आउट डिसअपीयर होने लग गए। ओके ऐसा होने लग गया क्या। सो द सैलून ने यहाँ पे फाइनली एक देखा जाए तो घोस्ट टाइप पोकेमोन का घर बन गया। बट ईस्ट कभी भी यहाँ पे इस एरोगेंट को यहाँ पर भूलेगी नहीं। सो हम चुपके लिए यहाँ पे रनिंग काम कर रहे हैं। ओके सो देखा जाए तो यहाँ पे हम भी सभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे सारे लोग ईस्ट यहाँ पे फाइनली अपना मैजिक स्टार्ट कर सकते हैं। ओके यस दैट्स राइट थ्रो जब तक मिशन खत्म नहीं होता तुम भी इस टीम का हिस्सा रहने वाले हो। सो क्यों ना चले यहाँ पे क्लूज के लिए। ओके सो चले चलते हैं यहाँ पे अभी हम पर क्लूज ढूंढने के लिए कि इस सैलून में मतलब कि ऐसे क्या चल रहा है कि यहाँ पे इतनी ज्यादा इस सिटी के ऊपर जो है वो बैड कंडीशन पड़ी है। सो यहाँ पर भी मैं सुपर रेपल का इस्तेमाल कर देता हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे 13 सुपर रेपल्स मेरे पास ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे बचे हुए हैं। सो देखा जाए तो अभी इतनी ज़्यादा जो है वो मुझे जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो ऑल दो कि अगर मुझे यहाँ पर अभी जीव कह सकते हो कि हमें यहाँ पर इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम लोगों को सुपर रेपल्स की यहाँ पे कैंप मतलब कि लेने पड़े हैं। ओके है सर यहाँ पर अभी जो वो मैं आ चुका हूँ इस फर्स्ट रूम में। ओके सो यहाँ पे हमें मिल चुकी है दी सैलून की। ऑल राइट सो द सैलून की हमें जो है यहाँ पे ऑप्टेन हो चुकी है। तो मुझे लगता है ना कि ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों के लिए ट्रिकी पजल के टाइप रहने वाला है कि हम लोगों को जो है वो यहाँ पर एक एक की फाइंड आउट करनी है अगर हम लोगों को यहाँ से नदी की तरफ जाना है तो। सो यार थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये चैलेंज हमारे लिए एंड आपको लगता ही है कि इंटरेस्टिंग चैलेंज जो है यहाँ पे मुझे कितने ज़्यादा जो है वो पसंद आते हैं। ओके सो समथिंग शाइनी ऑन द फ्लोर। ओके सो ये देखो मुझे एक और सैलून की मिल गई। सो मुझे लगता है कि ये जो की होगी वो शायद नीचे की तरफ जाने वाली की होगी। सो यहाँ पर अभी इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ओके सो हम लोगों को एक और की अपडेट हो चुकी है। ओ सो दिस इज द इवोलियाइट शायद ये कोई तो स्टोन होगा शायद जो है वो हम लोग आगे चलकर पता कर ही लेंगे इसके बारे में। बट राइट नाउ जो है यहाँ पर अभी मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ। एक और की मुझे मिल तो चुकी है ये ऊपर की तरफ की है क्या नहीं ये ऊपर की तरफ की तो नहीं है बट राइट साइड की तरफ चल लेते हैं। ओ नहीं यार ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है यहाँ से देख लेते हैं। ओके ये रही की
एंड यहाँ पर भी जो है ओके सो यहाँ पर भी जो है मुझे एक और की मिल चुकी है। ओके सो दिस इज अगेन दिस सैलून की। तो ये मुझे लगता है ना कि यहाँ पर जो ऊपर वाला जो डोर है ना उसकी की रहेगी। ओके सो यहाँ पर अभी ऑप्टेन हो चुका है हमें द मैक्स रेपल, सो दैट्स नाइस। तो चलते हैं यहाँ से सीधा बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अभी रुके भी कुछ मतलब तो है नहीं। यहाँ पे ब्रो जल्दी से, हमें हमारे लिए प्रॉब्लम है। ओके क्या हुआ? ओ, इसको क्या हुआ? सैम को क्या हो गया यार? सैम उसने अपना कंट्रोल ही खो दिया है। हाँ मुझे डर लग रहा है। कोई तो ध्रुव से रोको। ओ, कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर ध्रुव तुम्हारी एनर्जी वेस्ट करने की, ये मेरी ड्यूटी है। वेट, नो ऑफेंस कृष्णा, बट ध्रुव थोड़ा सा डेफिनेटली क्वालिफाई है तुमसे। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तुम तो अभी एक रियल ट्रेनर भी नहीं आफ्टर ऑल। अफर्मेटिव कैप्टन, जो प्लान मैंने डिजाइन किया है ऑल्दो इसके हाई सक्सेस रेशियो है, मेरी स्ट्रेंथ कंपेरेबल नहीं है ध्रुव से। ऑल राइट, आई नो कि मैं तुम पे भरोसा रखती हूँ। शुक्रिया कैप्टन। ओके सो यहाँ पर अभी 10, 40, 70, 90, 100। सो यहाँ पर अभी ट्रांसफर जो है वो यहाँ पे प्रोटोकॉल कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी जो स्विच हो चुके हैं दोनों ही यहाँ पे। इडियट, तुम ये सब कुछ भूल भी गए? क्या हुआ है? और प्लीज मैंने तुम्हें बचाया अपने आप को जो गेम में डालकर, और जो पोकेमोन तुम्हें पजेस कर रहा है। ओ क्या? ओ, मुझे यहाँ पे उसे बचाना होगा। डोंट वरी टबो, मैं तुम्हें फिर से बचाऊंगा। ओ, मैं क्रिसलर को अटैक नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? ऑल राइट, मैं ही मदद कर लेता हूँ यार। आउट ऑफ द वे सैलम, ऐसे लगता है कि ध्रुव यहाँ पे हैंडल कर सकता है ये। ओके सो हियर देखो गाइस, द ध्रुव गेमर वर्सेस द गीस्ट क्रिजलर। तो यहाँ पर उसके पास जो है वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक टाइप मुझे ज़्यादा पोकेमोन का इस्तेमाल करेगा। सो या इस बार जो है वो हम लोग जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रिल पैक के साथ। ओके सो तो एक और ड्रिल पैक देनी पड़ेगी। ओ पिकाचू का स्टैटिक लग गया यहाँ पे मुझे, बट कोई बात नहीं। ऑल राइट, सो इस टाइम उसने जो है यहाँ पे नजल का इस्तेमाल किया है। बट या वी आर ऑलरेडी वी इलेक्ट्रिक टाइप वन, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक टाइप मूव से। सो या पिकाचू को जो है यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अभी दोस्तों डाउन कर दिया है। सो नेक्स्ट अप देख लेते हैं। ओके सो शिलोंग है 24। सो द नेक्स्ट अप इज द मेटैंग। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग अभी इलेक्टाबड्स को जो है यहाँ पर अभी स्विच आउट कर देते हैं। सो लेट्स सी यार, क्योंकि मेटेंगे तो यार लावा प्लम या फायर पंच का इस्तेमाल करके वैसे भी हम लोग जो है यहाँ पे उसको डाउन कर ही देंगे। सो दिस टाइम जो हूँ यहाँ पर मैं लावा प्लम के साथ जाने वाला हूँ। ओके अरे यार, मुझे लगा कि डाउन हो गया है, बट थोड़ी सी जो है यहाँ पे उसके पास स्टिल जो HP जो थी वो यहाँ पे स्टिल बची हुई थी। सो या देखते हैं उसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन है। ओके सो क्लैंग है उसका नेक्स्ट पोकेमॉन। सो या इस टाइम हम लोग जो है वो जाएंगे। ओके सो दैट्स इट, द क्लैंग हैज़ बीन डाउन। तो देखा जाए तो इधर यहाँ पर अभी उसका नेक्स्ट पोकेमॉन देख लेते हैं कौन होता है। ओके सो यहाँ पर अभी स्केलियन जो है यहाँ पे फाइट सीखना चाहता है। जितने नए नए अच्छे अटैक सीखेगा ना यहाँ पे हमारा स्केलियन, उतना ही हमारे लिए आगे चलकर काम आने वाला है। सो या लावा प्लम दे देते हैं इलेक्टाबड यहाँ पर मेटैंग को, एंड दैट्स इट, द मेटैंग हैज़ बीन डाउन लेडीज एंड जेंट्स। एंड इसी के साथ यहाँ पे हम लोगों ने हरा दिया है क्रिजलर को। ओके सो या 260 यहाँ पे टोटल अर्निंग हुई हमारी। हे क्रिसलर, क्या तुम ठीक हो? ओके सो ये कुछ कह तो नहीं रहा है। सो शायद उसने यहाँ पे सब बैटल को उसे थका दिया हो। क्रिसलर शुक्रिया कि तुमने रिक्स लिया हमें बचाने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली शुक्रिया ध्रुव क्योंकि तुमने क्रिसलर को बचाया। मैं जाहिर ही कर सकती थी ध्रुव तुम अमेजिंग हो। स्टिल हमारे पास सेलिब्रेशन के लिए अभी वक्त है, क्योंकि मन भी जो यहाँ पे अभी ऑल भी लूज है, तो शायद वो किसी भी मोमेंट पर अंदर आ सकता है। ओके ओ सो यार, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? चलो चले उस मास्टर को पे करते हैं। ध्रुव मुझे चाबी दो। ओके लेट्स सेटल दिस, गुड फॉर नथिंग स्पिरिट। सलाम, तुम क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे हम लोग टीम की तरह स्प्लिट अप नहीं कर सकते? ओके सो यहाँ पर अभी हे गाइस, वो अकेले मत छोड़ दो। ओके सो चलो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग चले जाते हैं। क्रिजलर अभी भी अपने आवाज में नहीं है। वेट, कोई भी यहाँ पे गेस्ट का मेंबर जो है यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा है। सो आई गेस मुझे लगता है कि जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। यार मुझे लगा था कि ये लोग मेरी बात मानेंगे। आई विल बी द लीड दिस, आई विल लीड दिस टीम। बट यार जो यहाँ पे सैलम है ना गाइस, यार वो खुद से ही अपने खुद के ही हाथों कुराड़ी अपने पैर पर मार ले रहा है। यार कह सकते हो कि गाइस यार
क्या जरूरत है अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, बट वो है नहीं। यार हम भी स्ट्रांग नहीं है, हमारे पोकेमोन स्ट्रांग है। मैं हर वक्त कहता हूँ गाइजर कि मैं स्ट्रांग नहीं, मेरे में टीम ऐसी बनाता हूँ कि मैं खुद को स्ट्रांग बना सकूँ। ओके सो नीचे कुछ तो दिखाई दे रहा है मुझे, एक बार चेक कर ले के लिए चले जाते हैं। ये रहा। ओके ये क्या हुआ, वो सारा का सारा जो है यहाँ पे ये रेड रेड हो चुका है। सो हमें यहाँ पर मिल चुका है द डस्ट बॉल, बट आई हैव नो आइडिया कि ये यहाँ पर अभी क्या हो चुका है गाइस। यार जैसे अगर ऊपर की तरफ चलकर देख लेता हूँ, डार्क प्रेजेंस ब्लॉक अवे, तो देखा जाए तो हम लोग वहां से तो अंदर की तरफ नहीं जा सकते। यहाँ से एक बार चलकर देख लेता हूँ। म्यूजिक इज चेंजिंग, यार पूरा डरावने से वाइब आ चुकी है यहाँ पे। ओ वो रहा यहाँ पे। ओके फिर से ये गायब हो गया। एंड वो दिस टाइम कुछ तो अलग ही कलर का शेड आ चुका है यहाँ पे, एंड ये मुझे और भी ज्यादा डरावना लग रहा है। ओ ये रहे यहाँ पे। ओके ये तो नहीं था। ऑलराइट ये रहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ध्रुव, तुम में एक अलग तरीके की डिफरेंट लेवल है। मैं सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पे, सरप्राइज होना कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ। अ पपेट मास्टर लाइक मी कैन इजीली टेक कंट्रोल ऑफ अदर बॉडीज। ओके सो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे इतनी गिफ्टेड एनर्जी विद सच लव एंड सच हेट्रेड, तुम मेरे एक रियल प्रे हो, बट मुझे एडमिट करना होगा कि यह हेट्रेड फील्ड बॉडी भी यहाँ पर बुरी नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये गंदा जो इसके पीछे है यहाँ पे काफी ज्यादा टफ वाई दिखाता है, हाँ बट ये अपने आप को साबित करना चाहता है अपने कंपेनियन से। ये हमारे लिए परफेक्ट पॉन था। सो या मैं यहाँ पर अभी इसकी बॉडी को पुश कर सकता हूँ तुम्हें हराने के लिए। ऑलराइट गाइस यार ये भी बहुत ही गेमर वर्सेस द गीस्ट फाइनम, तो उसने शुरुआत करी है विद हिज चैमेलियन। यार देखा जाए तो सिचुएशंस जो है वो काफी ज्यादा कह सकते हो कि गाइस यार बुरी तरह हो चुकी है। ओके तो दिस टाइम हम लोग जो है वो जाएंगे यहाँ पे ड्रिल पैक के साथ अगेन। दैट्स इट, सो द चार्मेलियन हैज बीन डाउन। लेट्स सी यार। ओके द स्केलियन हैज गॉन टू द लेवल 29 आई गेस, यस लेवल 26 सॉरी माफ करना। सो नेक्स्ट अप इज द होंडुंग, तो यहाँ पर अभी मैं जो हूँ वो शिलोंग को जो है यहाँ पर अभी मैं लेकर आना चाहूँगा यहाँ पे। ऑल राइट सो द शिलोंग को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं इस बैटल के लिए। दिस टाइम जो है मैं यहाँ पर अभी चले जाऊँगा विद द मडी वाटर। ओके सो द फायर ब्लास्ट दे दिया, हाँ यस ये तो हमें कुछ अफेक्ट करेगा भी नहीं यहाँ पे ये मूव। ऑल राइट सो द फायर यहाँ पर दे दिया है मैंने। ओ मडी वाटर दे तो दिया था बट इतना ज़्यादा डैमेज करा नहीं। ओके बीटअप का इस्तेमाल तो किया है बट यस ऑब्वियस रीजन, इतना ज़्यादा हमें डैमेज पहुँचेगा नहीं उसका भी। ओके सो फायर फैंग नहीं, दिस टाइम अगेन वी विल गो विद द मडी वाटर। दैट्स इट, चलो हम लोग हैज बीन डाउन गाइज। लेट्स सी यार अभी इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन होता है। ओके सो 3120 हमारी टोटल अर्निंग हुई यहाँ पे। एंड यस एस्कॉर्ट ये तुम हो, यस लेट मी गेस तुमने मेरी फिर से जान बचाई है, हैवंट यू। ये अपसर्ड है, मैंने मैनेज किया था कि एक यहाँ पर एक छोटे बच्चे से यहाँ पर हार जाऊंगा। मैंने अपना प्राइड जो है अपने दिमाग से थोड़ा सा केयरलेस सिलेक्ट किया और ये मेरी सिचुएशन कर ली है कि हम इस सिचुएशन में हैं। मैं यहाँ पर एक इंच तक नहीं हिल पा रहा हूँ, मेरी एनर्जी सारी की सारी ड्रेन हो चुकी है। ये डीम टीम मुझे थोड़ी सी रोमिंग कर रही है इस सैलून में। ध्रुव तुम ही हो जो ये कर सकते हो, सेमेंटा और विल। लेमिकेश तो तुमने ऑलरेडी मुझे हरा दिया है, सो या बट मैं स्टिल एक हैंडसम बॉय हूँ। कम ऑन ध्रुव मेक दैट बास्टर्ड पे। ओह यस वी आर गोइंग टू मेक दैट बास्टर्ड प्रे। सो देखा जाए तो गाइस सर यहाँ पर अभी एक डैन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है यहाँ से आगे की तरफ देखा जाए तो। बट हम लोगों को देखा जाए तो थोड़े से ट्रिक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे उस डैन के अंदर से जो यहाँ पे खजाना निकालने के लिए। बट या इस वीडियो को जो हूँ यहाँ पर मैं यहीं पर ही एंड कर देता हूँ। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो थी। बट या रेगुलर एपिसोड्स को आने के लिए यहाँ पर ये जरूरी थी। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन यूनिवर्स वर्जन। तब तक के लिए गाइस यार गुड एंड बाय। Thank you.
Thank you.